एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव ने सोमवार को मधेपुरा संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। अपने प्रस्तावकों के साथ सुबह लगभग 11:30 बजे दिनेश चंद्र यादव समाहरणालय पहुंचे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास 3 सेट में नामांकन दाखिल करने के बाद बाहर निकलते ही मौजूद कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और जमकर नीतीश कुमार जिंदाबाद, दिनेश चंद्र यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। नामांकन के बाद राष्ट्र विहार उच्च विद्यालय के मैदान पर एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जनसभा को बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र नारायण यादव, मंत्री महेश्वर हजारी, मंत्री हरी सहनी, विधानसभा उपसभापति नरेंद्र नारायण यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, पूर्व मंत्री रत्नेश सदा, एमएलसी ललन सराफ, एमएलसी हारून रशीद, विधायक आलोक रंजन, विधायक निरंजन मेहता, गुंजेश्वर शाह समेत एनडीए के कई दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनता को गोलबंद करने की अपील की। वहीं एनडीए प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि पिछले 5 साल में मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में काफी विकास का काम हुआ है। उनके कार्यकाल में कई जगहों पर आरओबी की स्वीकृति मिली और निर्माण शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान कहीं कहीं क्षेत्र में नहीं आने की शिकायत मिलती है, लोगों में किसी तरह की नाराजगी नहीं है। इस बार एनडीए गठबंधन बिहार में 40 और देश में 400 से अधिक सीटों पर जीतेगी। कार्यक्रम का संचालन मधेपुरा जदयू जिला अध्यक्ष रमेश सिसिदेव एवं धन्यवाद ज्ञापन सहरसा भाजपा जिला अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने किया। राजा दशरथ के राम, मैया सीता के राम, बबुआ लव कुश के राम, मैया सबरी के राम, बाबा के बट के राम, बाबा के बट के राम, जय जय श्री राम। एनडीए में जिस तरह से काम हो रहे हैं, हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो कहते हैं तो करते भी हैं। यह विश्वास कार्यकर्ताओं में, देशवासियों में 100% दिन में आ गया है। इसलिए चुनाव से पहले कहते हैं हम सभी लोग, अब की बार मोदी सरकार। आप देखते भी हैं तो पूरा स्पष्ट दिखाई देता है, झलकता है। अभी जो सरकार बनी है उसमें 15 विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, उसमें से 12 जात उसमें समाहित है। मुझे लगता है शायद आजादी के बाद इतनी बेहतर व्यवस्था पहली बार हुआ होगा कि 15 मंत्री और 12 जात का उसमें समावेश। यह सबका साथ सबका विकास। हम लोग बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरे लोग कहते हैं हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र कहते हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। A to Z का मतलब क्या हुआ? सभी जाति का पार्टी है। ये कहते क्या है, करते क्या है, ये बिहार की जनता अब जान गई है, देश की जनता जान गई। तो जब ये विपक्ष में है तो उनके पास 3 महत्वपूर्ण पद है। एक अध्यक्ष तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, दूसरा नेता प्रतिपक्ष उनकी धर्म पत्नी राबड़ी देवी जी, और तीसरा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी। मतलब पति पत्नी और सुपुत्र 3, मतलब हो गया कि A to Z परिवार जब विपक्ष में है तो पूरे परिवार, और जब सत्ता में रहेंगे तो पूरे खानदान। मित्रों, मैं कोसी की धरती का बेटा हूँ, हमारी कर्मभूमि कटिहार निश्चित है, लेकिन कहीं कहीं
कोसी के उस त्रासदी को मैंने भी महसूस किया है। सलखुआ से कटिहार की यह यात्रा कोई अचानक यात्रा नहीं है। उस समय कोसी के जो हालात थे और कोसी जिस प्रकार से पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त करने का काम किया था, और ऐसे समय में हमारे, मुझे याद है कि हमारे अध्यक्ष दिनेश चंद्र यादव जी, हो सकता है कि हमारे आज के नौजवान उस हालात को नहीं देखा है 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी, उस हालात को नौजवान दोस्तों आपने नहीं देखा है। लेकिन उस समय जो नौजवान थे 2005 के समय, और जिस प्रकार से बिहार को बदलने का काम बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने करने का काम किया, और उस समय हमने देखा भी है कि श्री दिनेश चंद्र यादव जी किस प्रकार से रेल के मामले में गर्दन गोल आंदोलन करते थे, तो अभी के नौजवानों को पता नहीं होगा। नरेंद्र नारायण यादव जी बैठे हैं, उस समय ये आरयू के मंत्री हुआ करते थे और हम कटिहार के विधायक हुआ करते थे। फिर 5 साल में इन्होंने मेरे क्षेत्र में 30 पुल बनाने का काम किया। मैं नरेंद्र बाबू को हृदय से साधुवाद देता हूं कि आपने पूरे बिहार के लिए भी आपने जिस प्रकार से पुल और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को बनाने का काम किया, आज भी हमारे साथ विधायक उस हालात को, उस समय के कालखंड को नहीं भूला है। मित्रों, हम सिर्फ 3 बिंदुओं पर आपसे बात करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से एनडीए की सरकार जब जब बिहार में रही, हमने बिहार को बदलने का काम किया, और जब जब हम राजनीतिक कारणों से अलग हुए, बिहार कहीं कहीं ठहरने का काम किया है। हम 6 दलों के एनडीए के गठबंधन है, समय की कमी है, हो सकता है कि आपस में हम समन्वय नहीं कर पाए, बीच में कई बार हम अलग हुए, साथ हुए, इसलिए उस समन्वय को बना के रखने की आवश्यकता है। अगर वो कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे तो माननीय अग्रज दिनेश चंद्र यादव जी 4 लाख वोटों से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, पूर्व के वक्ता ने कहा कि किस प्रकार से एक विभाग में इन्होंने इस कोसी के विकास के लिए अपनी बातों को रखने का काम किया। बिहार विधानसभा में भी कई चीजों को हमने दिनेश चंद्र यादव जी से सीखने का काम किया। और जनता हर 5 साल के बाद अपने जनप्रतिनिधि का चयन करती है। सरकार की नीति, सरकार के कार्यक्रमों को जन जन तक हमारे कार्यकर्ता साथी पहुंचाने का काम करते हैं। जब चुनाव होता है, वोटर को निकालना, बूथ तक ले जाना और उन्हें हर प्रकार से ट्रेंड करना हमारे दल के मजबूत साथियों का काम होता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा करते थे कि कार्यकर्ता दल की रीढ़ की हड्डी के समान होता है। साथियों, मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे देश में और हमारे राज्य में डबल इंजन की सरकार है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी साहब ने देश और दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करने का काम किया है। अनेक नई रेलगाड़ियां जनता को सवारी करने हेतु उन्होंने दी है। आपको मैं मधेपुरा जिला में बताना चाहता, 2001 में बीरपुर से बीरपुर और महेशपुर से पूर्णिया NH5 का शिलान्यास किया गया था। एक लंबी दूरी तय करने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने
मिल करके इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं परम आदरणीय विजेंदर बाबू के सहयोग को भूल नहीं सकता। जब गडकरी साहब दिल्ली से पटना आए थे, इन्होंने हमसे कहा था, नरेंद्र भाई आप सुनिए गए हैं, ये जो बीपुर से लेके बीपुर पथ है, फ्लोक से इसको चोसा की ओर मोड़ करके बाबा विश्वराव ब्रिज के ऊपर से ले जाने का प्रस्ताव आया। आप जल्दी से जाइए और पटना हाई कोर्ट का के चीफ जस्टिस का जो निर्णय है उसको लाइए मेरे। और इन्होंने गडकरी साहब से, मुख्यमंत्री जी से उनके आवास पर बातें की, कमेटी बनी और पुनः बीपुर रोड में संशोधन हुआ, एलाइनमेंट में आया। हमारे माननीय सांसद महोदय ने सदन में इन दोनों रोडों को बनाने हेतु अनेक बार विभाग का ध्यान आकर्षित किया। आज हम उदा किशनगंज से मधेपुरा मुश्किल से 45 मिनट में पहुंच जाते हैं, महेशखूट से अपने इलाके में बहुत सुविधापूर्वक पहुंच जाते हैं। और आप ये भी जान लें, हमारे बहादुर मुख्यमंत्री जी ने 2,34,00,00,000 की लागत से हटगामा से लेके चौसा पुरेंगे उदा किशनगंज तक लगभग 23 किलोमीटर सड़कों को उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण लेकर के एसेट में बदलवाने का काम किया और इस रोड को बनाने का काम किया। हमें याद है बिहारीगंज से लेके मुरलीगंज से लेके जजिया कुमार खंड छातापुर और बीरपुर तक 91 नंबर स्टेट हाईवे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाने का काम किया। आज सारे हिंदुस्तान और बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों लाखों गरीबों का घर बन रहा है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है, ताकि गरीब लोग आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज कराते हैं। किसान सम्मान निधि योजना में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 3 किस्त में 6,000 रुपये किसानों के खाते में भेजने का काम किया है। उज्ज्वला गैस योजना को आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारे बहादुर मुख्यमंत्री ने सारे बिहार में 3800 जिलों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10+2 स्कूल का निर्माण करने का काम किया है। लाखों की संख्या में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से शिक्षक बहाल हुए। आज पढ़ाई में गति आई है। मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ, बच्चे और बच्चों से पूछता हूँ, तो 17 प्रश्न मैंने परसों रात में एक टोली में शर्मा तोलाम किया था, 16 प्रश्न का जवाब 11 साल का बच्चा दिया था। ये परिवर्तन हुआ है साथियों बिहार में। तारकेश्वर बाबू ने कहा कि 2005 में हमारे बिहार का बजट था मात्र 23,000 करोड़, और आज अच्छी बिजली व्यवस्था के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह बढ़कर 2,88,000 करोड़ हो गया है। लेकिन अब उसी कोसी में जो 237 किलोमीटर बिहार में बहती है, पहले के बाद कोसी बराज एक अगर नेपाल का भी जोड़ लें, फिर अगर आप रेलवे का भी भागो बांसी को जाता भागो जोड़ लीजिए, और एक हट्टी वहाँ जो खगड़िया से पूर्णिया तक जाता था, तो सेला भी केवल 4 ब्रिज था, और डीपी मतलब से की बना जो हम की सरकार बनी उसके पहले। आज उसमें बड़े क्या कहते हैं, आपके भरत में जो है वो बाबा स्थान जो है
चुनाव के जगह पर ये ठीक बन गया। अभी फ्लोट में बन रहा है मानसी, उसका वो बन रहा है, महिषी में बना, भगोल में बन गया, फोर लेन बना, एक्सप्रेस कॉरिडोर और रेलवे क्रॉसिंग भी बन रहा आने वाले वक्त में, वो भी और भी बनेंगे। साथ ही कोसी मेची लिंक योजना भी बनेगी, इससे बाढ़ का पानी ट्रांसफर होगा किशनगंज में जो मेची नदी है, तो चारों पांचों जिला में जो नहर की सिंचाई की क्षमता है उसका भी विकास होगा। और फ्लड भी सात आठ जिले में जो तटबंध जो भी करना लाखों लोग पीड़ित होते हैं उनको भी राहत मिलेगी आने वाले वक्त में। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप मतदान लेकर के हिम्मत के साथ अपनी हिस्सेदारी करिए और काम को और आगे बढ़ाइए ताकि ये इलाका और ज़्यादा विकसित हो। अभी जो नीति आयोग का रिपोर्ट है उसे एक बात का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। सात जिला जो बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ है उसमें नंबर एक है अररिया, नंबर दो में है पूर्णिया, नंबर तीन में है सुपौल, नंबर चार में है सहरसा, नंबर पाँच में है मधेपुरा, नंबर छः में है कटिहार और नंबर सात में है किशनगंज। बिहार का सबसे अविकसित पिछड़ा जिला ये सात जिलों में आता है। जो 2023 का जो योजना नीति आयोग का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है इसे और आगे बढ़ाना है तो और आगे काम करना है और समृद्धि लानी है ताकि और विकसित ये इलाका हो, रोजगार पैदा हो। आज एक बात बताइए है बांस कितने में बिकता है गाँव में? आज धान गेहूँ पंजाब और हरियाणा से ट्रकाना खरीद के लिए जाता है। ये यातायात की सुविधा के चलते किसानों की आमदनी बढ़ती है और रोजगार पैदा होता है, मजदूरों को भी रोजगार मिलता है। आज झूठा जांच शास्त्री कहते हैं कि सरकार झूठी बातें है, हर किसी को नौकरी देगा लड़का देते समृद्ध देश की सबको नौकरी नहीं देती। सरकार में जितनी नौकरी की जरूरत होती है उतना ही वैकेंसी निकलता है, लेकिन रोजगार देना सरकार का दायित्व है। आज दुनिया के जितने अर्थशास्त्री है विद्वान लोग वो कहते हैं दो बात, बिजली और यातायात। यातायात में रेल भी है, रोड भी है, नदी भी है, हवाई यात्रा भी है, यातायात और बिजली लगा दीजिए चला दीजिए अपने रोजगार पैदा हो जाएगा। इसलिए आइए इस विषय और विकसित इलाके को और विकास की गति को जल्द गति देने के लिए हम सब मिल करके आज चुनाव में संकल्पित हों कि हर सीट NDA को मिलेगा, श्री नीतीश कुमार और मनमोहन जी के नेतृत्व के गठबंधन को मिलेगा ताकि और हमारा इलाका आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो सम्मानित नेतागण आए हैं विस्तार से अपनी अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के काम को और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विशेष विकास किए गए काम को सभी लोगों के सामने रखने का काम किया। हम मधेपुरा से पहली बार 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आए थे और आप सभी लोगों के सहयोग से, समर्थन से, आशीर्वाद से मधेपुरा लोकसभा के चुनाव का रिकॉर्ड टूटा था। और तो बहुत सारे नेता को यहाँ चुनाव लड़ने का मौका मिला था, लेकिन 6 लाख वोट मुझे आप लोगों के सहयोग से मिला, इसमें आप सभी लोगों का ही आशीर्वाद था। और 3 लाख से अधिक वोट से हम लोकसभा का चुनाव जीते थे। आए थे मधेपुरा चुनाव लड़ने के लिए, कभी मधेपुरा आना होता था सहरसा से तो सीधे हम नहीं आ जा सकते थे, बल्कि मधेपुरा आने के लिए पहले 100 बजा पतरघट कपसिया होते हुए सुखासन होकर मधेपुरा आते थे। अभी मधेपुरा से किशनगंज जाना होता था, जिनकी चर्चा नरेंद्र बाबू ने की कि 40 मिनट में हम आ जाते हैं, उस समय में पौने 2 घंटा से कम समय नहीं लगता था। हम लोग भी जाते थे प्रचार के क्रम में तो पहले मुरलीगंज जाते थे, फिर मुरलीगंज से किशनगंज जाते थे।
बहुत बुरी स्थिति थी और इस स्थिति में कितना सुधार हुआ उसको आप बखूबी समझते हैं कि आज सहरसा भी आधे घंटे में लोग मधेपुरा से जाते हैं, फिर यहाँ से पूर्णिया के एक घंटा में लोग जाते हैं, उदार किशनगंज 40 मिनट में लोग पहुँचते हैं और यह सब सुधार इन 5 वर्षों में हुआ और इसकी एक एक बात की जानकारी आप सभी लोगों की है वो है आप जानते हैं कि क्या स्थिति थी ग्रामीण क्षेत्र में भी। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक भी गांव नहीं है जिसको पक्की सड़क से नहीं जुड़वा दिए और प्रधानमंत्री सड़क योजना से भी इस 5 वर्षों में जितनी सड़क मधेपुरा जिला के लिए सूचित हुआ चौड़ीकरण के लिए, हम समझते हैं कि बिहार का पहला जिला था कि सबसे अधिक सड़क मधेपुरा जिला के लिए हुआ, सहरसा के लिए हुआ, बिहार के लिए तो हुआ ही लेकिन मधेपुरा के लिए सबसे अधिक सड़क हुआ। तो मेरा तो एक एक पल एक एक क्षण विकास के लिए लगता है। आप सभी लोग जानते हैं हम साधारण परिवार के लोग और पत्रकार भी पूछते हैं कि आपका एजेंडा क्या होगा आगे जो आप सुन के जाइए, तो यह बात तो सभी लोग जानते हैं कि मेरा एजेंडा नहीं बल्कि मेरे खून में विकास के लिए एक एक क्षण बिताना भी लिखा हुआ है। और अगर विकास हम नहीं करते, लोगों के बीच नहीं रहते, तो मुझे से साधारण व्यक्ति को 4 बार विधानसभा और 4 बार लोकसभा का मुंह देखने का मौका कदापि नहीं मिलता। इसलिए हमसे तो जितना बन पाता है दुख में दर्द में किसी के मैयत में दिल्ली से फुर्सत होता, सीधे हम क्षेत्र में आते हैं दिल्ली, हमको रास नहीं आता। इसलिए कि पटना में इतना अपनत लोगों से बुझाता, दिल्ली में वह अपनत नहीं बुझाता। दिल्ली में मतलब से ही लोग मिलते हैं और मतलब खत्म हो गया तो भागने के लिए भी नहीं जाता। इसलिए पहले बार तो हम भी फंस गए थे उसमें, पहले बार जब सांसद हुए थे, लेकिन दूसरे बार जब हम गए तो वैसे वैसे लोगों के लिए मेरा दरवाज़ा बंद हो गया। लोग कहते थे कि आइए डिनर करेंगे लंच करेंगे, गाड़ी है बड़ी गाड़ी कहीं चलिए घूमने के लिए, तो कहते थे कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और सीधे हम क्षेत्र में, हम सहरसा से सांसद थे तो वह सहरसा के 3 विधानसभा और 3 लोकसभा सुपौल जिला का था, निर्मली भी उसी का अंग था और उसकी क्या स्थिति थी अब सभी लोग अब महसूस करते हैं।